रूपा जी, खबर निकल के सामने आई कि सोयाबीन की जो क्रशिंग है वो कम देखने को मिल रही है, क्योंकि मंडियों में माल ही अवेलेबल नहीं है सोयाबीन का। और दूसरा, सरकार ने जो सोया खली का आयात किया था, वो आयातित सोया खली इस समय मार्केट में ठीक ठाक मात्रा में मौजूद है। हालांकि सरकार ने जो टारगेट लिया था वो 12 लाख टन सोया खली का इंपोर्ट करने का लिया था, जिसमें से 6 लाख टन से ज्यादा का आयात हो चुका है, लेकिन वो 6 लाख टन भी अभी पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हो पाई है और मार्केट्स में अभी भी ठीक ठाक मात्रा में मौजूद है। वहीं से रूपा जी, पोल्ट्री इंडस्ट्री, जो पोल्ट्री उद्योग है, उसका ये कहना है कि आयात की जो अवधि है वो बढ़ाई जाए और सोयाबीन का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, जो वायदा बाजार है, उस पर रोक लगानी चाहिए, उसको बैन किया जाने, जिससे कि कीमतों में और तेजी ना आए। रूपा जी, आपको क्या लग रहा है? जिस हिसाब से पोल्ट्री उद्योग मांग कर रहा था कि जो सोया खली है उसका आयात किया जाए, अभी आधी से ज्यादा ही हुई है, पूरी नहीं हुई है, तब भी मार्केट्स में माल मौजूद है ठीक ठाक मात्रा में, तो क्या पोल्ट्री उद्योग का ये कहना सही है कि और आयात किया जाए या फिर इसकी अवधि बढ़ा दी जाए? क्योंकि ऐसा करते हैं तो फिर सोयाबीन किसानों को काफी बड़े पैमाने पर नुकसान झेलना पड़ सकता है, और सोयाबीन किसान पहले से ही मौसम की मार और एमएसपी से अपनी नीचे सोयाबीन फसल बेच चुके हैं। देखिए, अभी अगर हम बात करें सोयाबीन इंपोर्ट की, तो देखिए पोल्ट्री इंडस्ट्री जरूर डिमांड कर रही है और वो अपनी जगह सही है, क्योंकि उनको प्राइजेस महंगे प्राइजेस पर मिल रहा है, लेकिन फार्मर्स अपनी जगह सही है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल इंपोर्ट को लेकर सरकार की तरफ से कोई डिसीजन आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आप ये देखिए कि फार्मर पहले ही जो है उनको अच्छा प्राइस नहीं मिल पाया है। काफी फार्मर्स ने जब देखिए अराइवल आने शुरू हुए तभी प्राइजेस गिरने स्टार्ट हो गए, तो फार्मर्स को अभी इसका कोई अच्छा जो है वो बेनिफिट नहीं मिल पाया, और सरकार अभी मुझे नहीं लगता कि चाहेगी कि इंपोर्ट को बढ़ाया जाए जिससे फार्मर्स को नुकसान हो, क्योंकि आगे इलेक्शंस भी हैं। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए डेफिनेटली कोई स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, और मुझे नहीं लगता, ना ही अभी फिलहाल कोई सोयाबीन के बैन होने की ऐसी कोई खबरें हैं कि वायदा से उसको बैन कर दिया जाए जैसे सरसों को, क्योंकि सरसों के अंदर तो बहुत ज्यादा हमने उसमें स्पेकुलेशन आते हुए देख ली थी, और उसके बाद हमने देखा कि सोयाबीन लुढ़का उसके बाद, और अब सोयाबीन में थोड़ी बहुत जो तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए एकदम से रैली नहीं आती दिखाई देगी, इसमें धीरे धीरे बाजार उठते हुए दिखाई देंगे और आपको एक कंसोलिडेशन फेज में मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये सारा अभी इम्पोर्ट को लेकर या बैन को लेकर फिलहाल ऐसा मार्केट में कुछ भी नहीं है। डेफिनेटली पोल्ट्री इंडस्ट्री डिमांड कर रही है ताकि उनको सस्ता मिल पाए, और फार्मर्स नहीं चाहेंगे कि उनकी जो क्रॉप है वो सस्ते में मार्केट में बिके, और अभी फिलहाल सरकार भी ये नहीं चाहेगी, और मुझे नहीं लगता कि अभी सरकार इसके अंदर कोई इंटरफेयर करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि प्राइजेस अभी कोई बहुत ज्यादा बूस्टअप नहीं लिया है। 6,000 से 7,000 की रेंज तक अगर बने रहते हैं तो वो सस्टेनेबल है, और उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा फिलहाल मूवमेंट आती हुई दिखाई नहीं देगी किसी की भी इंटरफेरेंस की। जी जी, दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर आया, बिल्कुल अभी अभी ये जानना चाह रहे हैं कि सोयाबीन 8,000 क्विंटल कब तक हो जाएगी, क्या साल 2021 के अंत तक सोयाबीन में ये लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए मे बी एक्सपेक्टेड है ये लेवल्स भी आ सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको इंटरनेशनल मार्केट्स का थोड़ा सा अगर सिनेरियो बताऊं तो चाइना के अंदर इंपोर्ट्स को हमने जो यूएस से हैं इंपोर्ट्स वो गिरते हुए देखे हैं, 77% जो है वो गिरता हुआ दिखाई दिया है, 70% का इंपोर्ट जो है वो घटा है पिछले महीने। तो अभी मिक्स एंड मैच फिगर्स निकल कर आ रहे हैं, जिसके चलते इंटरनेशनल मार्केट्स में कुछ एक पॉजिटिव मोमेंटम्स हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो जो हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसके चलते एक्सपेक्टेड है कि 8,000 का स्तर देखने को मिल सकता है।